आज ना मेरा स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मूड हो रहा है और कराची में ना स्ट्रीट फूड में बंस रोड से अच्छी जगह कोई है नहीं। कैमरा भी ओके है, माइक भी ओके है, लाइट्स भी ओके हैं। ओके अभी ना तकरीबन 12 बज रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने फ्रेंच टोस्ट खाए हैं क्योंकि हमारे घर में भी ना एक रूल है कि आप बगैर खाए बाहर नहीं जा सकते, तो दिखाने के लिए थोड़ा सा खाना पड़ता है। वैसे मेन जो खाना है ना वो मैं बंस रोड पे ही शुरू करूंगा चैलेंज के मुताबिक, क्योंकि हमें ना चैलेंज भी पूरा करना है और बंस रोड पे भी ना मैं 3 से 4 चीजें खाऊंगा क्योंकि भाई अगले दिन का ना पता नहीं होता कि कुछ भी हो जाए। बाकी ये बताओ मेरी कैप अच्छी लग रही है ना, मुझे पता है यार। वैसे आज जो हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं ना ये बड़ा यूनिक सा आइडिया है और वैसे ना आज से पहले मैंने कभी ऐसा चैलेंज करा है और ना किसी को करते हुए देखा है। वैसे इस तरीके के चैलेंज करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है और अभी ना टाइम भी ऐसा है कि हम लोग ना बिल्कुल नाश्ते से शुरू करेंगे। अब ना हम लोग बंस रोड चलते हैं, लेकिन तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि बंस रोड किस किस की फेवरेट फूड सीड है। आओ यार, अभी ना हम लोग बंस रोड आ गए हैं और बंस रोड पाकिस्तान की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट में से एक फूड स्ट्रीट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले नाश्ते से शुरू करेंगे। वैसे इस वक्त नाश्ता करना मुझे लगता है कि बगैरती वाली बात है, क्योंकि नाश्ता इस टाइम कौन सा होता है, ये आयान है। नाश्ता करने वाले लस्सी से स्टार्ट करेंगे, लस्सी और थोड़ा सा खाना खाएंगे और उसके बाद बन कबाब खाएंगे और फिर शाम में जलेबी वगैरह, फिर रात में वहीद के कबाब जो सबसे मशहूर होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे लस्सी और देखेंगे लस्सी सबसे बेटर मिलती कहाँ पर है बंस रोड पर। वैसे सामने भी एक है लेकिन ये सही बड़े वाले, वो सामने एक लस्सी वाला लग रहा है यार, वो मुझे लस्सी वाला नहीं कुल्फी वाला लग रहा है, क्या पता लस्सी भी हो, पूछ के देख लेते हैं। यार हम लोग ना इसी लस्सी से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लस्सी मिल गई थी और ये लोग ना अपनी लस्सी में मलाई की टॉपिंग भी करके देते हैं, ये जरा तुम लोग चेक करो। ओए 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 भाई, नाश्ता अगर इतना अच्छा हो ना मैं रोज करूँ। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। वैसे नाश्ता मैं रोज करता नहीं हूँ, इसे ब्लॉग के लिए कर रहा हूँ, मीठा थोड़ा कम है। वैसे जिस तरीके की गर्मी है ना यहाँ पर, उसमें सिर्फ लस्सी ही चलती है। वैसे एक बात बताऊँ, जो इनका एम्प्लॉय है ना, जो काम करने वाला है, जो लस्सी निकाल रहा है, वो मजेदार नहीं है, उससे ना तेज तेज लस्सी निकाली नहीं गई। हालांकि उसने बहुत कोशिश करी वीडियो में दिखाने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी लस्सी निकालूं, लेकिन उससे निकली नहीं। लस्सी अच्छी है वैसे, नो डाउट यार। वैसे ना लस्सी काफी भारी हो गई है, मतलब कि इसके अलावा और नाश्ते करने का मूड नहीं है मेरा, अब डायरेक्ट दोपहर का खाना खाऊंगा मैं। वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, नाश्ते के लिए ना बंस रोड में फ्रेस्को सबसे बेस्ट जगह है नाश्ता करने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा लस्सी का मूड था तो इसलिए मैं लस्सी की तरफ गया, मैं फ्रेस्को पे स्टे नहीं कर रहा। फ्रेस्को बिल्कुल सामने अभी मेरे, फ्रेस्को नाश्ते के लिए, अब मैं डायरेक्ट दोपहर का खाना खाऊंगा ना तो उसके लिए फ्रेस्को बेस्ट नहीं है। अभी बिल्कुल सामने मेरे फ्रेस्को है और फ्रेस्को के बिल्कुल सामने ना एक बन कबाब वाला गली में बैठता है, जिसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी कर चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखना, लेकिन उस बन कबाब वाले का मुझे नाम नहीं पता। तो दोपहर के खाने में हम लोग वो बन कबाब खाने वाले, मतलब मेरे फेवरेट बन कबाब में से एक बन कबाब है। उसके पास रश तो बहुत होता है, तुम लोग कभी ना। मुंह में पानी जरूर आ गया है। ये लोग ना अपने साथ चटनी देते हैं और साथ में प्याज देते हैं और इनका कॉन्सेप्ट ये लोग बन अलग देते हैं और कबाब अलग देते हैं। अच्छा, इनका जो कबाब है ना वो दाल वाला कबाब है, बहुत मजे का भाई। आयान के मुंह में पानी आ रहा है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, दाल वाला कबाब जो है वो इतना मजे का तो नहीं होता, कह रही है बहुत मजे का है और फेवरेट तो अलग है ही भाई। वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ की एक खास बात बताऊँ, ये यहाँ 1952 से लोकेटेड है और इसको अप्रॉक्स 72 टू 73 ईयर्स हो चुके हैं और ये लोग शुरू से बन कबाब ही बनाते हुए आ रहे हैं। भाई देखो, हम लोगों ने बन कबाब खा लिया, अब हम थोड़े मीठे की तरफ आए, हम लोग अब जलेबी खाएंगे या तो गुलाब जामुन, वैसे जलेबी बेस्ट रहेगी ना, जलेबी खाएंगे और हम लोग आए यहाँ पे लाल जलेबी कॉर्नर पर। वैसे मैंने ना आज से पहले बंस रोड पे कभी मीठा ट्राई नहीं करा और बंस रोड की पहले बार मैं जलेबी खा रहा हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने काफ़ी जगह की जलेबी खाई है और जलेबी मुझे पसंद है, लेकिन ये गरम गरम जलेबी नहीं है। अच्छी है, लेकिन अगर गरम होती ना बहुत मज़ा करा दी। ये है कितने की जलेबी, कितने की अंकल? ये 60 रुपये का ये पूरा है, 60 रुपये का है भाई ये पूरा ना, इसमें 4-5 जलेबियाँ हैं।
यार अभी ना हम लोग वहीद पे हैं और वहीद बंस रोड पे लोकेटेड है, बंस रोड फूड स्ट्रीट पे। यार ये बंदा ना बंस रोड पे विनर है। यहाँ पे तुम लोगों को बारबेक्यू, कबाब फ्राई और काफी सारी चीजें मिल सकती हैं जो कि नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिल जाती हैं, लेकिन इनका जो स्पेशल है ना वो है कबाब फ्राई। यार वहीद पे आके ना हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले कबाब मंगवाया और कबाब ही खाऊंगा मैं, इससे ज्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि मैं सुबह से खाने आड़े टेढ़े खा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे बीफ कबाब फ्राई मंगवाया जो वहीद का सबसे मशहूर है। वैसे पता है एक सादा कबाब का और एक फ्राई का टेस्ट ना थोड़ा डिफरेंट होता है, और फ्राई में थोड़ा सा तेल वेल भी मिला हुआ होता है, थोड़ी ग्रेवी टाइप भी होती है, तो वो मज़ा आता है खाने में ना। क्या देसी टच आ रहा है यार, मजे का टेस्ट आ रहा है। मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो वहीद के कबाब है ना, ये मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मेरे घर वाले जब भी बंस रोड जाते हैं ना तो वहीद के कबाब फ्राई जरूर खाते हैं। यार टेस्ट ना वैसे बहुत खतरनाक है और मजे का टेस्ट है, मतलब अलग से ना थोड़ा बीफ का थोड़ा गोश गोश टाइप ना महसूस हो रहा है, तो वो एक मजे का टेस्ट क्रिएट कर रहा है और मजा आ रहा है खाने में। लाना यार, यार आज कराची में इतनी गर्मी है ना, जब मैं बंस रोड पे था ना तो अप्रोक्सीमेटली 40 टेम्परेचर था और तुम लोग यकीन नहीं कर सकते, पसीना ऐसा बह रहा था ना। मैं बार बार क्या कर रहा था, मैंने एक वीडियो शूट करी, एक क्लिप शूट करा, ऐसे मैंने दो दफ़ा करा। सॉफ्ट शेल्ड था बंस रोड पे बना हुआ और वहाँ पे क्या कूलिंग हो रही थी, अयान और मैं बार बार वहाँ जाके बैठ रहे थे कि भाई बाहर गर्मी है, जल्दी से शॉर्ट खत्म कर फिर अंदर जाके फ़ौरन बैठेंगे। तो थैंक यू सो मच सॉफ्ट शेल्ड। वैसे गलत बात है, कुछ आइसक्रीम वगैरह नहीं ली, सिर्फ बैठ के आ गए वहाँ पे। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ना तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 20 दिन पहले मरीज होके आया हूँ और वहाँ पे जो टेम्परेचर था ना भाई 0 और 1 था, क्या सर्दी थी, क्या मज़ा आ रहा था। यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेट खराब होने वाला है, वैसे मैंने ना सही ठूस ठूस के खाया है। यार मैंने ना लस्सी भी अच्छी खासी पी ली थी, ऑल्दो मेरा मूड नहीं था पूरी पीने का, लेकिन फिर भी अच्छी खासी पी ली थी। अब बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हैप्पी ईटिंग।